चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूणा में आज से नए बैली ब्रिज ने काम करना शुरू कर दिया है। ये पुल 5 फरवरी को भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि भविष्य में इस पुल से ज्यादा भार वाले वाहन न गुजरे ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से भरमौर में लोगों का आवागमन आसान हो गया है। हमारा जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर है उसमें हमारे 5 फरवरी को जो ब्रिज था वो लैंडस्लाइड करके कलैप्स हो गया और वहाँ पे एक बैली ब्रिज जो है वो कमीशन हो गया, वो चालू कर दिया गया और हमारे जो इतने भी छोटे या बड़े वाहन हैं उसमें चल सकते हैं। और ये काम जो है काफ़ी गति से हुआ और हमारे NH की टीम और जो स्टेट की जो मैकेनिकल डिविजन्स हैं उनके जो लोग हैं उन्होंने रात दिन काम किया और इस महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा हमारा जो चोली ब्रिज है उसकी मटेरियल भी जो है वो कैलकटा से आना शुरू हो गया है और मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में उसको भी हम फंक्शन कर देंगे। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वहाँ पे ऑलरेडी है और छोटी गाड़ियाँ भी क्रॉस हो रही हैं।